Hello students, today we are going to study our next lesson named as A Great Leader. So before starting the lesson, tell me what is the meaning of a leader? यानी कि leader की meaning क्या होते हैं, किसको leader कहते हैं? So leader means a person who rules or guides or inspires us or others. यानी कि leader उसको कहते हैं, उस इंसान को या उस शख्स को कहते हैं जो रूल करता है, जो हुकूमत करता है, जो हमको गाइड करता है, जो हमको राह बताता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताता है, या जो हमको इंस्पायर करता है. ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को लीडर कहते हैं. तो हम आज एक लीडर के बारे में पढ़ेंगे. जिस तरह हमने देखे होंगे कि बहुत सारे लीडर पहले के जमाने में गुजर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोकमान्य तिलक हो गए, B.R. अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, APJ अब्दुल कलाम. दीज वर आर लीडर्स, है ना. ये हमारे लीडर्स थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें गाइड किया, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें इंस्पायर किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. हु? गांधी जी, महात्मा गांधी. ओके, सो लेट्स बिगिन. अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता या एक महान रहनुमा जिसे कहेंगे. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. महात्मा गांधी कौन थे? बहुत एक महान लीडर थे पूरी दुनिया के. अदर लीडर्स विंस वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. जो दूसरे जो लीडर्स थे दुनिया के, या दूसरे जो लीडर्स हुआ करते थे, वो वॉर्स, वो जंग किस चीज से जीतते थे? दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, या दूसरों को मारकर जंग जीता करते थे. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स, वेपन्स लाइक गन्स, रिफल्स और बॉम्ब्स. लेकिन जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी भी कोई आर्म्स, कोई वेपन्स, जैसे कि गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स, कभी भी यूज नहीं किए किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी इंजर्ड करने के लिए. एंड येट, और फिर भी, ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और इंडिया के इंडिपेंडेंस के जो वॉर थी, उन्होंने फिर भी जीते थे, बिना कोई वॉर, बिना कोई वेपन्स, बिना कोई आर्म्स यूज किए और बिना किसी को हर्ट किए, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर की गई थी वो जीते थे. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. प्यार से उन्हें लोग क्या बुलाते हैं? बापू और बापूजी, यानी कि फादर ऑफ द नेशन, हमारे फॉर्म के, हमारा जो नेशन है उसके फादर. ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी कैसे इंसान थे? आयरन विल वाले, यानी कि जब कोई भी काम, या किसी चीज को अगर वो ठान लेते तो उसे पूरा ही कर छोड़ते थे. इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. जब वो कोई चीज करने की ठान लेते तो फिर उसको करके ही रहते थे, और इससे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि वो काम कितना मुश्किल है. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे. एक दिन की बात है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं रोजाना सुबह सुबह प्रेयर करूंगा, पूजा करूंगा. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड
ही नेवर मिस द प्रेयर। और बिल्कुल उसी दिन के बाद उन्होंने कभी भी एक भी प्रेयर मिस नहीं की, अर्ली प्रेयर, है ना। इससे हमको पता चलता है कि जब वो कोई चीज ठान लेते हैं तो फिर वो उसको करके ही रहते हैं। नाउ थर्ड पैराग्राफ, गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस गांधी जी किस चीज को देते थे? सबसे पहले तो थी ट्रुथ, यानी कि सच्चाई को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। फिर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, बिल्कुल सादापन। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी क्या? किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना, किसी को हर्ट नहीं करना। तो ये जो तीन चीजें थी, ये गांधी जी इन लोग इन तीन चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, बहुत ज्यादा तरजीह दिया करते थे। पहली चीज क्या थी? ट्रुथ, देन सिंप्लिसिटी, देन नॉन वायलेंस। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, है ना। हमने ऊपर पढ़े कि वो सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए क्या कह रहे हैं नीचे, गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। उनके जो ड्रेस होता था वो बिल्कुल सिंपल सादा हुआ करता था। जस्ट अ लॉइन क्लोथ, अ धोती वॉर्न अबव द नीज एंड समथिंग समटाइम्स अ शॉल, यानी कि बिल्कुल वो लॉइन क्लोथ पहनते थे। लॉइन क्लोथ मीन यानी कि धोती पहनते थे। वो धोती भी ऐसी होती थी जो उनके नीज के घुटनों के ऊपर हुआ करती थी, और कभी कभार शॉल ओढ़ लिया करते थे। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स? ऑफ कोर्स ही कुड, बट दिस सिंपल लॉइन क्लोथ वॉज अ डेलिबरेट चॉइस। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? अब देखिए यहां पर हमें जो राइटर है वो क्या पूछ रहा है, कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स? क्या वो फैंसी और फैशनेबल जो क्लोथ्स हुआ करते थे, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड, बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते थे फैशनेबल और फैंसी क्लोथ्स पहनना। बट दिस सिंपल लॉइन क्लोथ वॉज अ डेलिबरेट चॉइस, लेकिन जो ये लॉइन क्लोथ पहनने की जो चॉइस थी उनकी, वो एक सोची समझी हुई, प्लान की हुई और किसी पर्पस के तहत की हुई चॉइस थी। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? अब यहां पर हम देखेंगे कि उन्होंने ये चॉइस कैसे की या क्यों की, उस इस चॉइस को करने के पीछे उनका मोटिव, उनका मकसद क्या था या उनका पर्पस क्या था, ठीक है। वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा, यानी एक दिन की बात है कि जो गांधी जी थे वो अपने लेक्चर टूर पर गए थे, कहां पर? ओडिशा में। यूजुअली मेन एंड वीमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि मेन और वुमेन यानी कि जो औरतें आदमियां होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर्स में, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में, तादाद में उनको सुनने के लिए जाते हैं, उनके लेक्चर्स को सुनने के लिए जाते थे। इन ओडिशा However, women were not seen at these public meetings or lectures. लेकिन ओडिशा में ऐसे अगर कोई पब्लिक मीटिंग्स या लेक्चर्स होते थे तो वहां पर औरतें दिखाई देती थी क्या? नहीं, वहां पर औरतें नहीं दिखाई देती थी। On making inquiries, गांधी जी found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. जब उन्होंने इस बात की इंक्वायरी की कि क्यों यहाँ पर सिर्फ मर्द आते हैं, क्यों यहाँ पर सिर्फ मेन आते हैं मीटिंग्स में या फिर लेक्चर सुनने के लिए, विमेन क्यों नहीं आती, तब उनको पता चला कि ये जो पार्ट है इस जगह के या इस हिस्से के जो लोग हैं वो इतने पुअर है कि उनकी जो लोग उनकी जो औरतें हैं उनके पास इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पोशाक पूरा कर सके या अपने जिस्म को पूरी तरह से ढांप सके। तो वो बिल्कुल शर्माकर ऐसे जो मीटिंग्स होते थे, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस होते थे, वो वहां पर नहीं आया करती थी क्योंकि उनके पास प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं होते थे। किसके पास? विमेन के पास। इसलिए वो पब्लिक प्लेसेस पर आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी। देयरफोर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस, और इसलिए जब उनके पास पूरी तरह से कपड़े नहीं होते थे इसलिए वो
पब्लिक प्लेसेस से दूर रहते थे। गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस। जब गांधी जी को ये पता चला कि इस वजह से उनकी जो वुमेन होती है वो लेक्चर सुनने या पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आती है, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत अनहैप्पी फील करने लगे, डीपली पेन यानी वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ज्यादा गमजदा हो गए, उनको बहुत बुरा लगा ये सुनकर। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ। बेयर मिनिमम मीन्स द लीस्ट पॉसिबल दैट इज रिक्वायर्ड, नथिंग मोर देन दैट, यानी कि कम से कम कपड़ा पहनना। उन्होंने उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने उस ओडिशा के वुमेन के बारे में सुना, उस दिन से उन्होंने क्या ठाना कि अब मैं सब मिनिमम से मिनिमम क्लोथ पहनूंगा, बी इट कोल्ड और हॉट, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस। यानी कि चाहे कितनी ठंड क्यों ना पड़े या कितनी ही गर्मी ना क्यों ना पड़े, वो कभी भी अपने सिंपल क्लोथ नहीं चेंज किया करते। उन्होंने कभी उस दिन से फैंसी या फैशनेबल क्लोथ नहीं पहने। उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं अगर कपड़े पहनूंगा तो बिल्कुल बेयर मिनिमम, कम से कम कपड़े पहनूंगा। नाउ पेज नंबर 17, टर्न द पेज। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। एक मरतबा की बात है कि वो इंग्लैंड को गए थे, कौन? गांधी जी, टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग, ठीक है, मीटिंग थी इंग्लैंड में, तो वहां पर उसको अटेंड करने गए थे। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। वहां के जो किंग थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज। तो जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड जो थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी पार्टिसिपेंट थे कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे, उनको अपने पैलेस में दावत दी थी, अपने पैलेस में दावत दी थी। पैलेस मीन्स महल में, ठीक है। People received by the king have to dress up in a certain way. At the time, England ruled over India. और जो king जिसको received किया करता था, जिन लोगों को received किया करता था, उन्हें एक proper और certain way में कपड़े पहन कर आने होते थे, है ना। जब हम किसी अच्छे इंसान से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक बादशाह हो, जो किंग हो, वो भी इंग्लैंड का, तो हम कैसे जाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से क्लोथ्स पहन कर जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी वैसे ही रहने वाला, और उसका स्टेटस, उसका रुतबा इतना हाई होता है, तो हम ऐसे वैसे क्लोथ पहन कर जाएंगे क्या? नहीं। तो उसी तरह जब जो भी लोग किंग से मिलने जाते थे या किंग जिसको मिलता था, उनको अच्छे से कपड़े पहन कर जाना होता था, ठीक है। एट द टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, और जो मतलब जिस टाइम ये इंग्लैंड गए थे, गांधी जी इंग्लैंड गए थे, उस टाइम इंग्लैंड इंडिया पर राज किया करता था, रूल किया करता था, हुकूमत किया करता था, ठीक है। पीपल इन इंग्लैंड वॉन्टेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। अब देखिए, जो इंग्लैंड के लोग थे वो बिल्कुल क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उनको तजस्सुस था कि क्या गांधी जी अपना स्टाइल जो है, यानी कि जो वो लॉइन क्लोथ जो पहनते हैं, धोती जो पहनते हैं, क्या वो चेंज करेंगे? क्योंकि अब वो किंग को देखने जा रहे हैं ना, किंग से मिलने जा रहे हैं, किंग से मीटिंग है उनकी, तो क्या किंग से जो मिलने जा रहे हैं, तो अपनी पोशाक जो है, अपना जो कपड़े है, वो चेंज करेंगे या नहीं? अब ये देखने के लिए जो वहां के लोग थे, इंग्लैंड के, बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे। और गांधी जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर मैं किंग को मिलने भी जाऊंगा तो मैं बिल्कुल अपने यूजुअल ड्रेस में ही जाऊंगा, कोई स्टाइलिश क्लोथ नहीं पहनूंगा, कोई फैशनेबल क्लोथ नहीं पहनूंगा, जैसे मैं यूजुअली रहता हूं, जैसे मैं अक्सर रहता हूं, मैं बिल्कुल किंग से मिलने भी वैसे ही जाऊंगा। ये किसने क्लियर किया? गांधी जी ने क्लियर किया। इवन वेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, और चाहे क्यों ना मैं इंग्लैंड के किंग से ही क्यों ना मिलना चाहूं, मैं सिंपल क्लोथ ही पहनूंगा, और वही क्लोथ पहनूंगा जो रेगुलर वे में पहनता हूं। ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ द पीपल हुम ही रिप्रेजेंटेड, और वो उन्हीं का ड्रेस पहनेगा जिसको वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है, यानी कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे ना इंग्लैंड, वो
गांधी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं वही क्लोथ पहनूंगा जो इंडिया के लोग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय व्हाट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ, सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर। गांधी जी को इस बात से बिल्कुल कोई चिंता हुई नहीं कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो उनको देखकर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, उनको इस बात के बिल्कुल कोई केयर ही नहीं था, उनको फिक्र ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके मानना ये था कि मेरी जो कंट्री के लोग हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े, पूरी तरह से पहनने के लिए कपड़े नहीं, इनफ कपड़े नहीं है, तो मैं भी नहीं पहनूंगा, ऐसा गांधी जी का मानना और कहना था। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल। फाइनली देखिए अब किंग ने क्या किया, वेलकम किया एट हिज रिसेप्शन उसकी दावत में दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल। और अब भी मिलने गए किंग से, इंग्लैंड के किंग से, तो उन्होंने क्या पहना था, ही ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल, वो बिल्कुल सिंपल सी धोती पहनी हुई थी और शॉल थी उनकी, ठीक है। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रा वेगेंटली, यानी कि वो आपने देखा होगा कि जो किंग और क्वींस होते हैं उनकी पोशाक, उनके पहनावे, उनके कपड़े कितने एक्सपेंसिव, कितने उमदा, कितने महंगे और कितने कितने कपड़े, वो ज्वेलरी वो पहना करते, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव महंगे क्लोथ्स वो किंग ने पहने हुए थे। गांधी जी वॉज आज वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। अब गांधी जी को पूछा गया कि क्या आपके पास इनफ क्लोथ थे, यानी कि क्लोथ्स थे, अच्छे से क्लोथ थे, कपड़े थे किंग से मीटिंग के लिए। तो गांधी जी ने देखिए क्या रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम, यानी कि जो किंग थे, जो इंग्लैंड के जो किंग थे, उन्होंने हम दोनों के उतने कपड़े पहन लिए थे, ठीक है। Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. Millions of people, यानी कि millions of poor people, यानी कि बहुत ज़्यादा millions of poor people, बहुत ज़्यादा गरीब जो लोग थे बहुत तादाद में, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने उनके जैसे कपड़े पहने थे, है ना। हमने पढ़ा है कि इंडिया में उस टाइम इतनी पॉवर्टी थी, इतनी गुर्बत थी, गरीबी थी कि लोगों के पास इनफ क्लोथ नहीं थे, वो बिल्कुल इसी तरह से एक सिंपल सी धोती ये शॉल पहना करते। तो जब गांधी जी ने इतने बड़े किंग से मिलने गए, वो भी इंग्लैंड गए, और जब उन्होंने वही क्लोथ पहने जो गरीब लोग पहनते थे, तो वो गरीब लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। कौन कहाँ के थे गरीब लोग? इंडिया के थे, ठीक है। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. Destructive weapons यानी कि तबाह करने वाले हथियार। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, यानी कि हालांकि महात्मा गांधी ने कभी भी तबाह करने वाले, destruct करने वाला destructive weapons कभी भी use नहीं किए, लेकिन फिर भी ही हैड मिलियंस ऑफ स्टाउंच फॉलोवर्स। स्टाउंच फॉलोवर ऐसे लोग जो उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, उनके एक बोलने पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे, उनके बहुत ज्यादा लॉयल थे। तो डिस्ट्रक्टिव वेपन नहीं यूज करने के बावजूद भी उनके मिलियंस ऑफ स्टाउंच फॉलोवर्स थे, ऐसे लोग थे जो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनसे बहुत ज्यादा लॉयल थे। गांधी जी शोड all the suppressed people in the world the new path of satyagraha, yani ke jo bhi log the jo bhi suppressed people the, suppressed people means people who have been prevented from developing or growing freely, yani ke jo jinke upar zulm hota tha, jinke upar zabardasti hoti thi, jinko mara pita jata tha, ऐसे जो लोग थे दुनिया में, उनको गांधी जी ने क्या दिखाया, सत्याग्रह का यह रास्ता दिखाया। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया
बट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अपने ग्रेटनेस की वजह से जाने जाते थे, वो अपने महानता की वजह से जाने जाते थे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने कोने में वो अपने महानता के बारे में जाने जाते थे। सो इस तरह हमारा आज का जो लेसन है यहाँ पर खत्म होता है। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।